गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब हम मेटल को और नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो मैंने कंपेयर करके लिखा है ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। तो अगर मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं देन इट विल गिव मेटल ऑक्साइड, जो बेसिक ऑक्साइड होगा, या हम ये कहें कि वो नेचर में कैसा होगा, बेसिक होगा। सिमिलरली जब हम नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे देन इट विल गिव नॉन मेटल ऑक्साइड, वो नॉन मेटल ऑक्साइड देगा। बस नेचर में फ़र्क हो जाएगा, इनका नेचर कैसा है, ये बेसिक ऑक्साइड हैं, वो एसिडिक ऑक्साइड है। मीन्स इनका नेचर बेसिक है और उनका नेचर एसिडिक है। बेसिक ऑक्साइड है, बेसिक नेचर में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, बेसिक हो गया तो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, चेंज कर देगा। तो फॉर एग्जांपल मेटल के लिए मैंने यहाँ पे सोडियम लिया है। जब हम सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे देन इट विल गिव सोडियम ऑक्साइड। सिमिलरली दूसरा मेटल मैंने यहाँ पे लिया है मैग्नीशियम, जिसको मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया देन इट गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया। मेरा एक वीडियो देखा भी होगा जिसमें मैंने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, तो जो एशेस था दैट वाज मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड था। ठीक है, यहाँ पे हमने कार्बन लिया है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया। तो कार्बन एक नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल को जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो उसने क्या दिया, कार्बन डाई ऑक्साइड दिया। सिमिलरली दिस इज सल्फर, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो इसने सल्फर डाई ऑक्साइड दिया। ठीक है, अब इस कार्बन, बिकॉज देखो ये सारा नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा है, एसिडिक ऑक्साइड है, मतलब इससे एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो जब ये CO2 को वाटर के साथ हम मिक्स कर देंगे या हम रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ देन इट विल गिव कार्बोनिक एसिड, इससे हम क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपको पता है फिर एसिड है तो ये इट विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड को हम जब वाटर में रिएक्ट कराएंगे देन इट विल गिव सल्फ्यूरस एसिड, और वो सल्फ्यूरस एसिड दे देगा। तो ये आपका कंपेयर हो गया कि अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन मेटल के साथ होता है तो क्या होता है, और नॉन मेटल के साथ क्या होता है। दोनों में मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा, बट ऑक्साइड का नेचर जो है वो सिर्फ अलग होगा। मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होगा, वेयर एज नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ मेटल को तो क्या होता है। नाउ वी विल सी रिएक्शन विद वाटर। जब हम लोग मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा या मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, दोनों में से कोई भी फॉर्मेशन हो सकता है, डिपेंड करता है हमने कौन सा मेटल लिया है। ठीक है, कुछ मेटल मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं और कुछ मेटल मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, बट दोनों ही केसेस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। दोनों केस में आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ये याद रखना है कि मेटल को जैसे हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे इट विल गिव इधर मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड विद हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होगी। फॉर एग्जाम्पल जिंक एक मेटल है, मैंने यहाँ पे जिंक लिया, जिंक को वाटर के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है ना, तो ये क्या देगा, जिंक ऑक्साइड, जो मैंने यहाँ पे लिखा है मेटल ऑक्साइड, तो यहाँ पे जिंक एक मेटल हो गया और ऑक्साइड फॉर्म हो गया जिंक ऑक्साइड, और साथ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अनदर एग्जांपल सोडियम मैंने लिया, सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराया, इसने क्या दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो मैंने कहा आपको कि मेटल हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मेशन हो सकता है, तो यहाँ पे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो बस आपको याद ये रखना है कि जब भी हम रिएक्ट कराएंगे मेटल को वाटर के साथ या तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होगा या मेटल हाइड्रोक्साइड, बट साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस विल रिलीज। नेक्स्ट है कि मेटल लाइक कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये मेटल्स जो है ना वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपके यस मेटल्स हैं, ये आपको याद होना चाहिए कि कॉपर या सिल्वर या गोल्ड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। एंड देन अगर हम लोग अभी मैंने मेटल का रिएक्शन देखा, लेकिन नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। नॉन मेटल
do not react with water. Now we will see reaction with acids. मेटल को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. ठीक है, वहाँ पे आपने देखा था कि जब वाटर के साथ रिलीज कराया था तो वहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी. सिमिलरली जब हम एसिड के साथ भी रिएक्ट कराते हैं मेटल को तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, बट यहाँ पे फॉर्मेशन जो होता है वो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है. अब जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ना, तो यहाँ पे जैसे हमने ये जिंक एक मेटल लिया है तो ये मेटल क्या करता है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, मतलब हटा देता वहां से. तो यहाँ ये जो जिंक है ना, इस हाइड्रोजन को, यानी कि कोई भी मेटल आप ले लो, फॉर आई हैव टेकन हियर जिंक, तो जिंक क्या करेगा, ये जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा एंड इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट और ये आपका हाइड्रोजन बाहर आ गया, तो ये आपका सॉल्ट हो गया और वो आपका हाइड्रोजन गैस हो गया. सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल वी कैन सी, अगर मैं मैग्नीशियम लेती हूँ और इसको फिर हम एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इन द सेम वे रिएक्शन विल टेक प्लेस. ये मैग्नीशियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और इट विल फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस विल रिलीज इन द सेम वे. और अगर हम लोग ले लेते हैं एल्यूमिनियम ले लेते हैं और साथ में HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर ये लेते हैं तो भी क्या होगा, ये हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा ये एल्यूमिनियम, एक मेटल है, इसके साथ ये फॉर्म करेगा AlCl3, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड, और साथ में इट विल गिव हाइड्रोजन गैस. ये आपका मेटल जो भी है एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, क्योंकि ये यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं जो भी मेटल्स हैं. इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो नॉन मेटल होता है आपका वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. ये आपकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई मेटल एंड नॉन मेटल की. ठीक है, टिल देन टेक केयर. इन नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू सम अदर टॉपिक्स. बाय.